सबसे पहले बात करेंगे उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर में ताज पहनकर दर्शन करने पर विवाद हो गया। फेमिना मिस इंडिया निकिता पोरवाल ने ताज पहनकर महाकाल के दर्शन किए, जिसे लेकर महाकाल मंदिर के पुजारी महेश शर्मा ने इस पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि भगवान महाकाल अवंतिका के राजा माने जाते हैं और उनके सामने किसी भी व्यक्ति को सिर पर पगड़ी, टोपी या ताज पहनकर जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि इससे मंदिर की मर्यादा का उल्लंघन होता है। आप ये देखिए, निकिता पोरवाल, जिन्होंने हाल ही में फेमिना मिस इंडिया का ताज जीता है और इस दौरान वे बाबा महाकाल के दरबार पहुंची थी पूजा पाठ करने के लिए, और जो क्राउन उन्होंने जीता है वो उन्होंने पहना हुआ था, और इस दौरान जो पंडित जी हैं महाकाल के, उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई है। उनका ये कहना है कि जो बाबा महाकाल हैं उनके पास ताज पहनकर जाना, इसको लेकर विवाद खड़ा हो रहा है। महाकाल मंदिर के पुजारी महेश शर्मा ने इस पर आपत्ति जताई। भगवान महाकाल अवंतिका के राजा माने जाते हैं और उनके सामने किसी भी व्यक्ति को सिर पर पगड़ी, टोपी या ताज पहनकर जाने की अनुमति नहीं है। यही बालिका है, वो मिस इंडिया बनी है और उसको जो ताज मिला है वो गर्व की बात है उज्जैन के लिए, और भगवान महाकाल उसे और यशस्वी भी करे। लेकिन उस ताज का भगवान महाकाल के समक्ष पहन के जाना कम से कम थोड़ी सी मर्यादा के अनुकूल नहीं है। वो वहाँ जाकर वो ताज हाथों में ले जाके भगवान महाकाल की यदि शरण में रख के और उनसे प्रार्थना करती तो उससे उसका मान भी बढ़ता, सम्मान भी बढ़ता, और ताज जो है उसके जो सर पे आया है वो सदैव बना भी रहे, ऐसी भगवान से प्रार्थना थी। लेकिन मर्यादा के अनुकूल ऐसे लोगों को काम करना चाहिए जो हमारी उज्जैन। तो सुना आपने, जहां पर ये कहना है कि जो ताज पहनकर निकिता पोरवाल पहुंची हैं, अगर वो महाकाल के दरबार में उनके समक्ष रख देती तो वो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन वो खुद ताज पहनकर उनके सामने पूजा पाठ कर रही हैं, जो कि मर्यादा के अनुकूल नहीं है। संवाददाता अजय पटवा जुड़ गया। अजय, निकिता पोरवाल, उन्होंने नाम रोशन किया देश का, प्रदेश का और अपने शहर का, लेकिन जब महाकाल के दरबार पहुंची ताज पहनकर, इसको लेकर विवाद खड़ा हो गया। जी देखिए, बाबा महाकाल जो है राजा हैं उज्जैन के, और ऐसे में जब भगवान महाकाल अपनी प्रजा का हालचाल जानने निकलते हैं तो ऐसे में पुलिस के जवान भी उनको सलामी देते हैं, सल्यूट करते हैं, और जब कोई अधिकारी भी जाता है तो अपनी केप उतार कर उनको दर्शन करते हैं। तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति मंदिर जाता है तो वो अपनी टोपी है, पगड़ी है, इसको उतार के ही भगवान महाकाल के सामने दर्शन कर सकते हैं। ऐसे में उनकी एक मर्यादा है और मर्यादा का ही पालन कराया जाता है। लेकिन मिस इंडिया जो निकिता पोरवाल जो बनी है, वे ताज पहनकर महाकालेश्वर मंदिर गई और उनका आशीर्वाद लिया, लेकिन महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी महेश शर्मा का कहना है कि यदि निकिता पोरवाल वो ताज को भगवान महाकाल के चरणों में समर्पित करती तो और अच्छा होता, लेकिन ये मर्यादा के अनुकूल रहा और भगवान महाकाल के सामने ताज पहनकर बैठकर दर्शन करना ये कहीं ना कहीं भगवान महाकाल के जो प्रोटोकॉल होता है उसके अनुकूल रहा है, इसे में उनको ध्यान रखना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अब इस बात को लेकर विवाद खड़ा हुआ है, तो देखना ये होगा कि आगे जाके इस पर क्या होता है। जी जी बिल्कुल अजय, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखना ये कि आगे क्या होगा। हालांकि जो पंडित जी, उनका ये भी कहना है कि ये मर्यादा के खिलाफ था, लेकिन इस पर बहुत ज्यादा कोई एक्शन लेने की बात सामने नहीं आई है। खबर भोपाल से, जहां सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। 7 लाख कर्मचारियों को एडवांस सैलरी मिलेगी। कर्मचारियों को नवंबर महीने की आज सैलरी मिलेगी। संविदा और आउटसोर्स कर्मियों को भी सैलरी मिलेगी। देखिए, दीपावली का त्यौहार है महीने के आखिरी में और इसके चलते कर्मचारियों के ढेर सारे खर्चे होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि खरीदारी की जाती है। धनतेरस में खासतौर पर कुछ गहना, कुछ बर्तन खरीदे जाते हैं, लोग कुछ अच्छा सामान, वाहन भी खरीदते हैं, और इसके चलते जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके साथ साथ जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं, सभी को सैलरी मिल जाएगी। 7 लाख कर्मचारियों को एडवांस सैलरी मिलने की बात कही जा रही है। कर्मचारियों को नवंबर महीने की सैलरी आज मिलने वाली है। तो दीपावली को देखते हुए ये एक बड़ा फैसला। संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, दीपावली के पहले एडवांस सैलरी मिलने जा रही है नवंबर माह की।
बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से दिवाली इस बार जो है वो महीने के अंतिम दिन यानी 31 तारीख को पड़ रही है, और यही कारण है कि मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया था कि दिवाली के पहले ही जो सरकारी कर्मचारी है, चाहे वह नियमित कर्मचारी हो, संविदा कर्मचारी हो या फिर आउटसोर्स कर्मचारी हो, सबको जो है 3 दिन पहले ही सैलरी दे दी जाएगी। 28 तारीख यानी आज जो है उन सैलरी उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी, ताकि वह लोग जो है वो दिवाली को बेहतर तरीके से मना सके। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कुछ दिन पहले ही ट्वीट करके इस बात की जानकारी दे दी थी कि आपके कर्मचारी लोग चिंता न करें, और ये मध्य प्रदेश की सरकार संवेदनशील सरकार है, सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखती है, और यही कारण है कि कर्मचारियों को आज वेतन उनके खाते में पहुंचने वाला है। दोपहर में जो है वो ये वेतन उनका भेज दिया जाएगा। तो ये जो मध्य प्रदेश के 7 लाख से अधिक कर्मचारी हैं उनके लिए बेहद खुशी की बात है। हालांकि वो डीए की भी उम्मीद कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से वेतन देने का काम आज कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो दिवाली की खरीदारी भी कर पाएंगे और बेहतर तरीके से दिवाली भी मना पाएंगे। तो आज सैलरी उनके खातों में भेज दी जाएगी। जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो सैलरी खातों में भेज दी जाएगी और वेतन का जो इंतजार हो रहा था वो पूरा हो जाएगा, एडवांस सैलरी मिलनी जा रही है। हैदराबाद में एक पटाखे की दुकान में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया और इसके चलते कई गाड़ियां जलकर राख हो गई। पटाखे की दुकान में जोर के धमाके के साथ अचानक से आग लगी और देखते ही देखते आग ने पूरी बिल्डिंग को चपेट में लेते हुए भयानक रूप ले लिया। गनीमत रही कि धमाका होते ही बिल्डिंग में मौजूद लोग भागकर बाहर आ गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। हादसे में एक महिला समेत 3 लोग जख्मी बताए गए हैं। जानकारी के मुताबिक पटाखे की दुकान अवैध रूप से चल रही थी। दिवाली के दौरान जो पटाखों को स्टोर करके रखा गया, यहाँ पर एक चिंगारी और पूरे गोडाउन में आग लग गई। पटाखे की दुकान में भीषण आग लगने का मामला सामने आ रहा है और इसका एक वीडियो भी सामने आया है जहाँ पर लगातार पटाखे जलते रहे। और हैदराबाद की ये तस्वीर है जहाँ पटाखे की दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया, कई गाड़ियां जलकर राख हो गई। पटाखे की दुकान में जोर जोर के धमाके होने लगे और अचानक से आग लगी। देखते ही देखते आग ने पूरी बिल्डिंग को चपेट में ले लिया, भयानक रूप ले लिया आग ने। गनीमत रही कि धमाका होते ही बिल्डिंग में मौजूद लोग भागकर बाहर आ गए। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग को बुझाने के तमाम प्रयास किए गए। ये देखिए गोडाउन के अंदर की एक तस्वीर आप देखिए, जैसे ही धमाका हुआ, पटाखे फूटना शुरू हुए, वहां पर मौजूद लोग भागने लगे, तुरंत भागने लगे, क्योंकि उनको पता था कि बहुत तेजी से ये अब बड़ी घटना फैलने वाली है और यहां से लोग तुरंत बाहर आ गए। अभी तक फिलहाल कोई भी जनहानि की खबर नहीं है, ना ही कोई झुलसा है, लेकिन जिस तरीके की तस्वीर सामने आई है बहुत ही चौंकाने वाली है, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही जान पर भी बना सकती है। वहां पर मौजूद सभी लोगों ने भागने की कोशिश की है और भागते हुए बाहर आ गए, लेकिन गोडाउन के बाहर तक आग की बड़ी बड़ी लपटें, काला धुआं, काले धुएं का गुबार आसमान में उड़ता हुआ दिखाई दिया। आसपास और भी बिल्डिंग्स मौजूद थी और देर रात धमाकों के बीच में पूरा जो हैदराबाद है वो दहल उठा। ये तस्वीरें आपके सामने, पटाखे की दुकान में भीषण आगजनी की तस्वीर, एक्सक्लूसिव ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं देर रात का। दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग को बुझाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। राजधानी भोपाल में पूर्व विधायक सविता दीवान के घर में नकदी सहित 15 लाख रुपए का सामान चोरी करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस चोरी के मास्टरमाइंड सविता दीवान के घर की नौकरानी और उसकी बहन ही निकली। दरअसल 18 अक्टूबर को पूर्व विधायक ने अपने घर में चोरी होने की FIR कमला नगर थाने में की थी। विधायक ने 13 लाख रुपए चोरी की शिकायत की थी। पुलिस ने CCTV और शक के आधार पर घर में काम करने वाली नौकरानी तनु शर्मा से पूछताछ की, उसने चोरी करना स्वीकार कर लिया। प्राइम सस्पेक्ट उनकी नौकरानी और उनके परिवार के लोग थे जिनको हमने कस्टडी में लिया था पूछताछ की, जिस पर उन्होंने स्वीकार किया। तो उनकी जो नौकरानी थी उसने और उसकी बहन ने मिलकर वहाँ से रुपए चोरी किए और अपनी बहन के साथ में माँ को दिए कुछ रुपए और कुछ अपने बॉयफ्रेंड को दिए
और उसके बाद उसमें उनको हमने अरेस्ट किया है, सभी को कस्टडी में लेके पीआर लिया था। उस पर हमने कुछ बरामदगी की है जिसमें भी 6,30,000 कैश मिल गया और उसके अतिरिक्त कुछ वस्तुएं जो उन्होंने खरीद दी थी। जबलपुर में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। 55 साल के शख्स पर रेप का आरोप लगा है। मां के साथ मौसी के घर आई थी मासूम और खिलाने के बहाने आरोपी अपने घर ले गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पॉक्सो एक्ट सहित कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। तो चौंकाने वाली पूरी खबर सामने आई जबलपुर से। 3 साल की 2 साल 8 महीने की बच्ची है, उसको वो अपनी माँ के साथ उसकी बड़ी बहन के यहाँ गई थी, माँ की बड़ी बहन के यहाँ गई थी, तो उसके परिचित पास में ही रहने वाले आरोपी शंकर द्वारा उसको खिलाने के नाम पे घर लेके आया और उसके साथ गलत हरकत करने पर संबंधित धाराओं में BNS की धारा 63C, 64(2)F और पास्को एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। बैतूल कृषि उपज मंडी में देर रात किसानों की गाड़ियों की लाइन लग गई। मंडी का मेन गेट बंद होने के चलते किसान फसल से लदी गाड़ियों को अंदर नहीं ले जा पाए और सड़क पर ही जाम लग गया। मंडी में नहीं जा पाने के चलते जब किसानों ने विरोध किया तो कलेक्टर मौके पर पहुंचे। देर रात उन्होंने मंडी का गेट खुलवाया और किसानों की गाड़ियों को मंडी के अंदर भेजा। जांच के बाद पता चला कि मंडी सचिव ने ही मंडी परिसर का मेन गेट बंद करा रखा था और इस बाबत जब फोन किया गया या मंडी सचिव ने फोन नहीं उठाया, कलेक्टर ने मंडी सचिव के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं। किसानों की लगभग 100-150 गाड़ियाँ बाहर थी, इस पर किसानों ने सेक्रेटरी से मंडी में उनकी एंट्री मांगी थी, तो सेक्रेटरी कहीं गई हुई थी तो उस पर प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाई थी। इसके अलावा किसानों ने कुछ आरोप प्रत्यारोप भी लगाए थे, तो मौके पर हम लोग आए थे। सारे किसानों के सेक्रेटरी से उनकी गाड़ियों को अंदर किया है और सेक्रेटरी पर भी आए हैं, इसकी जाँच कराएंगे और अगर सेक्रेटरी दोषी होगी तो उसको निलंबित कराने की कार्रवाई करेंगे। मुंबई के बांद्रा टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ की घटना के बाद दिल्ली के रेलवे स्टेशनों का अलर्ट मोड पर रखा गया है। दिवाली और छठ पूजा को लेकर दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ हो रही है और यहां भीड़ से निपटने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। रेलवे स्टेशनों के अंदर सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ा दी गई है। इस बार उत्तर रेलवे की ओर से 3,000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन चलाई गई, तो वहीं और डिमांड होने पर ट्रेन की संख्या बढ़ाई जा सकती है। मुंबई में भगदड़ की खबरों के बीच मैं आपको न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे रेलवे की तरफ से क्या व्यवस्था की गई है वो आपको दिखाता हूं कि एक व्यवस्थित रूप से कैसे यात्रियों को रेलवे के अंदर जो ट्रेन है उनके अंदर उनको भेजा जा रहा है, किस तरीके से RPF के जवान जो हैं वो एक एक करके यात्रियों को अंदर भेज रहे हैं। ये देखिए, अलग अलग जो है यहाँ पे कॉलम बनाया गया था, अलग अलग जो यहाँ पे लोहे के स्टील द्वारा जो है वो बैरिकेड कर दी गई थी। बैरिकेडिंग के बाद जो है एक एक जो यात्री हैं वो आ रहे हैं, उन्हें RPF के जवान और जो रेलवे कर्मचारी हैं वो अनाउंसमेंट करके उन्हें व्यवस्थित रूप से प्लेटफॉर्म के अंदर भेज रहे हैं। यात्री अंदर बैठे हुए हैं, सबके लिए सीट की व्यवस्था की गई है। देखिए, कहीं कोई भीड़ भाड़ नहीं है, कहीं कोई जो है भगदड़ नहीं है, आराम से यात्री अंदर जा रहे हैं। RPF के जवान उन्हें सलाह दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं कि कैसे अंदर जाना है, आराम से जाना है और आराम से उन्हें ट्रेन में बैठना है। देखिए, यहाँ भी आराम से, यहाँ भी कोई भगदड़ नहीं है, यहाँ भी कोई भीड़ भाड़ नहीं है, यात्रियों के भागने की जरूरत नहीं है। आराम से रेलवे के कर्मचारी और RPF के जवान जो हैं वो उन्हें दिखा रहे हैं। तो ये मैंने आपको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 16 का हाल दिखाया। ये ट्रेन जो है ये बरौनी बेगूसराय में जो बरौनी है वहाँ पे जाएगी, क्योंकि छठ का त्यौहार है, दिवाली का त्यौहार है, तो इस वजह से जो दिल्ली में रहने वाले लोग हैं वो अपने घरों को जा रहे हैं। और यहाँ पे हालांकि इस पर खास व्यवस्था रेलवे की ओर से की गई है, कोई भगदड़ नहीं, कोई हलचल नहीं, आराम से यात्री आ रहे हैं और यहाँ पे ट्रेन में बैठ रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि ईरान अब इसराइल को जवाब जरूर देगा।
26 अक्टूबर को हुए हमले को लेकर ये ईरान की बहुत बड़ी वार्निंग है। इसराइल ने ईरान के 3 प्रांतों में हमला किया था और इस हमले में नेतन्याहू ने ईरान के लिए एयर डिफेंस नेटवर्क और मिसाइल फैक्ट्री को तबाह करने का दावा किया। तो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने कहा कि ईरान अब इसराइल को जवाब जरूर देगा। 26 अक्टूबर को हमले को लेकर यह ईरान की बहुत बड़ी वार्निंग है। ईरान पर हुए हमले के बाद इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जो भी हमें चोट पहुंचाता है हम भी उसे चोट पहुंचाते हैं और यही हमारा सिद्धांत है। नेतन्याहू ने ईरान पर हमले को सटीक और शक्तिशाली बताया। उन्होंने कहा कि ईरान पर हुए हमले से हमने अपने सभी लक्ष्य हासिल कर लिए। लेबनान में जहां जहां इसराइल बम बरसा रहा है वहां तबाही मची हुई है। इसराइल के बारूदी हमले में लेबनान कई इमारतें खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं। तस्वीरें लेबनान के सीडोन इलाके की हैं जहां इसराइल के हमले में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। कई लोगों के मलबे में दबे होने की खबर है जिन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है। और ये तस्वीर आप देखिए, लेबनान में कई इमारतें खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं और लेबनान के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर पूरी की पूरी बिल्डिंग तबाह हो चुकी हैं। लोगों का जीवन स्तर पूरा ख़राब हो चुका है, ना खाने के लिए रोटी और ना ही छत है। और अब लेबनान में तबाही की तस्वीरें हर रोज़ सामने आ रही हैं। इसराइल के लगातार हमले के चलते लेबनान का अलग अलग हिस्सा पूरी तरीके से खंडहर में तब्दील हो चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर बड़ा हमला किया। कोलकाता में अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के लोगों से अपील करते हुए कहा कि 2026 में बंगाल में परिवर्तन से शांति आएगी। 2026 में अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती है तो हम घुसपैठ पर रोक लगाएंगे और राज्य में शांति सुनिश्चित करेंगे। अमित शाह ने आरोप लगाया कि बंगाल में रविंद्र संगीत की जगह बमों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। बंगाल में राज्य सरकार घुसपैठ करा रही है गाय और कोयले की तस्करी रोकने के लिए पश्चिम बंगाल में 1 करोड़ बीजेपी सदस्य बनाने होंगे। अमित शाह ने रविवार को कोलकाता में बीजेपी के सदस्यता अभियान की शुरुआत की। कार्यक्रम में शुभेंदु अधिकारी और मिथुन चक्रवर्ती भी मौजूद रहे। जिस तरह से स्टेट स्पॉन्सर घुसपैठ हो रही है उसको रोकना है तो इसका एकमात्र रास्ता है कि 26 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बंगाल के अंदर रविंद्र संगीत की जगह बम धमाके सुनाई पड़ते हैं, इसको रोकना चाहते हैं बंगाल की जनता तो इसका एकमात्र रास्ता है 26 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कानूनी आवाजाही की व्यवस्था न हो तब आवाजाही अवैध रूप से होती है और जब अवैध रूप से आवाजाही के रास्ते खुलते हैं वो बंगाल की भारत की शांति को बहुत क्षति पहुंचाते हैं। मैं आज बंगाल की जनता को कहकर जाता हूं 26 में परिवर्तन कर दीजिए, इस घुसपैठ को हम पूर्णतया रोक कर दम लेने वाले हैं और शांति बंगाल में तभी हो सकती है जब ये घुसपैठ रुक जाए।
पीएम मोदी आज देश को बड़ी सौगात देंगे। गुजरात के वडोदरा में पीएम मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज डाटा के एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करेंगे और इस कॉम्प्लेक्स में डाटा एडवांस सिस्टम की तरफ से C295 विमान बनाए जाएंगे। यह भारत में निजी क्षेत्र की पहली यूनिट होगी जिसमें अलग अलग जगह पर तैयार कलपुर्जों को जोड़कर सैन्य विमान बनाया जाएगा। इस योजना में कुल 56 विमान शामिल हैं जिनमें से 16 स्पेन से एयरबस द्वारा सीधे डिलीवर किए जाएंगे जबकि बाकी 40 विमान को भारत में बनाया जाना है। गुजरात के वडोदरा में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स तैयार। अब अमेरिका और यूरोप को मिलेगी टक्कर। देश में बनेंगे बड़े बड़े सैन्य विमान। गुजरात के वडोदरा शहर में देश की आन बान और शान टाटा कंपनी के इस एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स में तैयार होंगे एक से बढ़कर एक एयरक्राफ्ट। अमेरिका और यूरोप के अलावा देश के अंदर भी बड़े बड़े हवाई जहाज बनकर तैयार होने वाले हैं। टाटा के इस एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स में C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का निर्माण किया जाएगा। ये पहली बार है जब देश की कोई निजी कंपनी भारतीय सेना के लिए सैन्य विमान बनाएगी। पीएम कार्यालय के मुताबिक टाटा समूह का वडोदरा प्लांट में एक पूरा इकोसिस्टम बनेगा जहां विमानों के निर्माण से लेकर उनकी असेंबली की जाएगी। इस कॉम्प्लेक्स में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड C295 विमान बनाएगी। इस समय दुनिया में बड़े विमान बनाने वाली कुछ ही कंपनियां हैं जिनमें बोइंग और एयरबस का नाम अहम है। ये कंपनियां अमेरिका और यूरोप की हैं। रूस और चीन के यहाँ भी विमानों का निर्माण होता है लेकिन उनकी शोहरत इतनी नहीं है। ऐसे में जब वडोदरा में देश की कोई निजी कंपनी भारतीय सेना के लिए सैन्य विमान बनाएगी तो ये देश के लिए गर्व और पूरे विश्व में गौरव की बात होगी। इससे पहले 30 अक्टूबर 2022 को पीएम मोदी ने वडोदरा में फाइनल असेंबली लाइन की आधारशिला रखी थी। वडोदरा में ये प्लांट भारत में निजी क्षेत्र की एक ऐसी पहली यूनिट होगी जिसमें अलग अलग जगहों पर तैयार कलपुर्जों को जोड़कर सैन्य विमान बनाए जाएंगे। सितंबर 2021 में रक्षा मंत्रालय ने 56 C295 विमानों के लिए एयरबस के साथ 21,935 करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट किया था। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत 40 C295 विमानों का निर्माण भारत में होना है। इसके लिए टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और एयरबस ने समझौता किया था। भारत सरकार के साथ समझौते के मुताबिक 16 C295 विमानों की आपूर्ति स्पेन से सीधे एयरबस करेगी और बाकी के 40 विमानों का निर्माण वडोदरा में किया जाएगा। पीएम मोदी लगातार डिफेंस फील्ड को आत्मनिर्भर बनाने का जिक्र करते आए हैं। इस कड़ी में अब देश में ऐसे एयरक्राफ्ट C295 का निर्माण किया जाएगा जिसे मुश्किल जगहों पर आसानी से ले जाया जा सकता है। C295 एयरक्राफ्ट 71 सैनिकों, 44 पैराट्रूपर्स और स्ट्रेचर ले जाने की क्षमता से लैस होंगे। ये विमान देश में ही बने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट से भी लैस होंगे। प्राकृतिक आपदा के समय ये एयरक्राफ्ट काफी कारगर होंगे। रेस्क्यू ऑपरेशन में एयरफोर्स को आसानी होगी। जानकारी के मुताबिक वडोदरा में टाटा के फाइनल असेंबली लाइन प्लांट में पहला मेड इन इंडिया C295 विमान 2026 में तैयार होगा। उधर स्पेन से 16 विमानों में 6 विमान भारतीय वायुसेना को मिल चुके हैं। स्पेन ने पहला C295 विमान सितंबर 2023 में भारत में भेजा था। इस समझौते के तहत 56 विमान के 2031 तक भारतीय वायुसेना को सौंपे जाने की उम्मीद जताई जा रही है। इस प्रोजेक्ट में टाटा के अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जैसी रक्षा से संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां भी अपना योगदान देंगी। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में। सूरतपुर में प्रधान